उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में इस वरी कुंभ मेले दौरान सेहत विभाग ने कथित तौर पर 1 लाख व्यक्तियों दी कोरोना वायरस की जांच संबंधी फर्जी रिपोर्टां तैयार कीतियां सन। दसणयोग है कि अप्रैल महीने में जदों कुंभ का मेला मनाया गया सी तां उदों देश में कोरोना की दूजी लहर सिखर ते सी। फरीदकोट का वसनीक विपण मित्र जो कदे कुंभ के मेले नहीं गया उसनों भी फोन राही सुनेहा मिलिया कि उसकी कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है। मित्तल दे इस संबंधी फरीदकोट के सेहत विभाग नाल राबता कायम करके दस्सिया कि उसने कोरोना जांच लई सैंपल ही नहीं दिता तो उसकी रिपोर्ट किवें नैगेटिव आ गई। फरीदकोट के सेहत विभाग ने इस संबंधी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस तो बाद विपन मित्तल ने ऑनलाइन अपनी कोरोना रिपोर्ट हासिल करके इसकी शिकायत भारतीय मैडिकल खोज संस्था नूं कर दिती। ICMR की पड़ताल दौरान पता लगा कि विपन मित्तल के नमूने उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में लय दिखाए गए हैं। हरिद्वार के सेहत विभाग ने कौंसल की हदायत से इस मामले की पड़ताल की तो पता लगा कि हरिद्वार में अजिहे व्यक्तियों के कोरोना नमूने हासिल किए दिखाए गए हैं जो कदे भी हरिद्वार नहीं गए और इन्हों में पंजाब ते राजस्थान के विद्यार्थी और आम लोग भी शामिल हैं। ये रिपोर्टा हरियाणा की एक लैबोरेटरी वालों तैयार की गई ने। दिलचस्प तथ्य है कि इस लैबोरेटरी वालों तैयार की गई सारिया रिपोर्टा नैगेटिव ही दिखाई गई ने। पड़ताल दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि सैकड़े व्यक्तियों का इको मोबाइल फोन नंबर दिखाया गया। इन फर्जी रिपोर्टा राही हरिद्वार में कोरोना की विकास दर 2.8% दिखाई गई है जबकि उत्तराखंड के बाकी 12 जिलों में कोरोना की विकास दर 14.2% सी। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के हुक्मों तो बाद हर रोज़ 50,000 नमूने लैण की मुहिम चलाई सी। पड़ताल दौरान पता लगा कि 1 लाख व्यक्तियों का डाटा कथित तौर पर चोरी करके ये फर्जी रिपोर्टा तैयार हुई सन। मित्तल ने कहा कि जदों उसनु इस फर्जीवाड़े का शक होया तो उसने भारतीय मैडिकल खोज कौंसल में शिकायत की जिस तो बाद इस समुची जालसाजी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट हलचल TV कैनेडा।